हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे टीचर की कहानी जो एक सिर्फ गुरु मात्र नहीं है, जिन्होंने एजुकेशन की तरफ लोगों का नज़रिया बदल दिया है। जी, आज के चर्चित चेहरे, बेस्ट गुरु, इंटेलिजेंट गुरु, हार्ड वर्कर, और इसके अलावा मेरे पास वर्ड नहीं है उनके लिए। मैं कहने जा रहा हूँ आपको मिस्टर आनंद सर के बारे में कुछ। अभी एक मुलाकात हमसे हुई थी उनकी, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, जिसके वजह से मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। उतने छोटे समय में सर ने बहुत सारे टीचिंग के गुर सिखाए, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। पता है क्यों इंप्रेस हुआ? कि लास्ट 25 ईयर से वो काम ये कर रहे हैं, लेकिन आज भी वही जज्बा है जो शुरुआती दिनों में उनके अंदर था। और पता आपको ये जज्बा कहां से उनके अंदर आया, ये एनर्जी उनके अंदर कहां से आया? वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, वो आपके पढ़ने के प्रति लगन को देखकर, वो आपके गरीबी को मात देते हुए आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लगन को देखकर बड़ा इंप्रेस हुआ मैं कि इस उम्र में भी सर की एनर्जी वो बरकरार है। और वो बोल रहे हैं जैसे जैसे मेरा उम्र का बढ़ रहा है, मेरी एनर्जी पढ़ाने के प्रति बढ़ रही है। मैं सर को सलाम करता हूं कि सर आपके जैसा एनर्जी हम जैसे हर युवा टीचरों को मिले, आपके जैसी एनर्जी, आपके जैसे काम करने का तौर तरीका, आपके जैसा डिवोशन, आपका जो समर्पण, वो हम जैसे युवा टीचरों को भी मिले। हम भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही समर्पित हों, हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा ही करें जैसा आप कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप आनंद सर की जीवनी को थोड़ा झांकेंगे तो उन हर एक गरीब बच्चों को अपने आप पे विश्वास हो जाएगा कि मैं भी आईआईटी जा सकता हूं, गरीबी आईआईटी में जाने के लिए कोई बाधा नहीं है। इन्होंने प्रूव किया है, इस पद्धति को सर ने प्रूव किया कि गरीबी जो है वो आईआईटी की राह को नहीं रोक सकता। और वैसे गरीब बच्चों का बीड़ा इन्होंने अपने कंधे पे उठाया, और कंधे पे उठा के सिर्फ उनको पढ़ाया नहीं, आईआईटी कॉलेज में सेलेक्ट करा के आज एक अच्छे अच्छे बड़े कंपनियों में बड़े जॉब लेके वो बैठे हुए हैं, और अपने पूरे घर के साथ साथ गांव और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसी एनर्जी के साथ पढ़िए, हम आपके साथ हैं। सर से जो हमने सीखा वो चीजें हम जरूर आपके साथ अप्लाई करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने दमखम के साथ, हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ हम आपके साथ आएं और आपके लिए बहुत ही अच्छा करें। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करें, और हमेशा एक पूरी एनर्जी आपके साथ बना के रहें, और हमारा कोऑर्डिनेशन ऐसा हो कि आप जिंदगी में सफल हो जाएं। तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ आनंद सर के उस स्पीच का, जिस सेमिनार में मैं भी पार्टिसिपेंट था, जहां मैं भी बैठा था, सर की बातें सुन रहा था। उसके बाद सर से हमारी डिस्कशन हुई, बहुत सारी बातें की चर्चा हुई, बहुत सारी चीजों को सीखा, उसकी एक झलक आपको दिखला रहा हूं। और डरे फिर भी हम साहस करके बोला, सर आपने मुझे बुलाया था। तब मंत्री जी बोले, बुलाया था, मैं उन तमाम लोगों को, युवाओं को बुलाता हूं जो देश के लिए, खासकर प्रदेश के लिए अच्छा काम करते हैं, नाम रोशन करते हैं, उनको मैं बुलाता हूं। तुम भी इस प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हो, काम किए हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। हम क्या, अच्छा सर ठीक है, बैठ गए, बैठो, बैठ गए। हाँ बताइए शर्मा जी, क्या बात चल रही थी? हमें भाई ये आदमी तो पैसे का बात ही नहीं कर रहे हैं, कैसे हम इनसे बोले, भाई लगता है भूल गए। फिर 10-15 मिनट बाद फिर साहस करके कहे, सर आप पैसा के लिए बोले थे। बोला था पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में ना पड़ता, पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे लोगों को भटकते देखा, बर्बाद होते देखा, भ्रष्टाचारी बनते देखा, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं पैसे के चक्कर में नहीं पड़ता। क्या सरदार भगत सिंह और नेता सुभाष चंद्र बोस पैसे के चक्कर में पड़े थे? क्यों तुम पैसे के चक्कर में पड़ रहे हो? इसलिए पैसे के चक्कर में नहीं रहो, ईमानदारी के राह पर चलो, जैसे मैं चलता हूं या कुर्सी पर पहुंचा हूं। बैठो। फिर बैठे भाई, क्या बोले भाई, अब तो ये समझने को तैयार नहीं, बड़े आदमी है, बहुत सारा विषय हो गया, भूल गए कि हमको मदद करनी है, विदेश जाना। एक अंतिम प्रयास किया, खड़ा हो गया कि सर फिर खड़ा हो गया, क्या बात है बोलो। हम सर ऐसा है कि आप बोले थे विदेश जाना है, मदद के लिए बोला है, तो विदेश जाना, अच्छा कहाँ जाना है बेटा? हम कि सर हमको जाना इंग्लैंड जाना है। ओ इंग्लैंड जाओ, जापान जाओ, अमेरिका जाओ, हांगकांग जाओ, और इस मिट्टी का नाम वहां तक फैलाओ। यही मिट्टी जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां महावीर की कर्म भूमि थी, इसको तुम भूलना मत, गिव बैक टू सोसाइटी, करना लाख डिग्रियां हो जाए वापस आना, यहां जरूरतमंद को तुम्हारी जरूरत है, समझे?
यही समझाने के लिए तुमके बुलाया था। जय तुमके प्रणाम से प्रणाम। बाहर निकल गए, बाहर निकला, देखा बाहर, उदास निराश, चाय बेच रहा था सड़क की उस उनके क्वार्टर के फ्लैट की उस साइड। चाय वाला से कहा भैया चाय पिलाओ। चाय वाला पूछा कि नौकरी उकरी कब मांगने गए थे अपना बेट वाला पिताजी को? तो नहीं भाई ऐसी ऐसी बात है। चाय वाला खराब हो गया, क्या किसके पास चले गए आप लोग? जो आदमी चार महीने उधार गरीब का चाय पी पी के पैसा नहीं देता वो आपको क्या पैसा देगा? तो ये हाल है मेरा दोस्तों तमाम पॉलिटिशियंस का। इसलिए हम लोगों को जागरूकता कैसे लाए समाज में जरूरी है। इस तरह के पॉलिटिशियन सब लोग ऐसा नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोगों का कैसे पर्दाफाश हो, कैसे उनसे मुक्ति आजादी मिली है बहुत जरूरी बात है। खैर 1 अक्टूबर 1994 को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था, लेकिन 23 अगस्त को मेरा भाई BHU में प्रोफेसर थी डॉक्टर एन राजम, उनसे वायलिन सीखता था, म्यूजिक करना चाहता था, बड़ा इनोवेटिव था प्रणव कुमार। वो बोला कि चलते हैं पटना, आ गया छुट्टी लेके पटना। हमारा एक चचेरा भाई था साथ में रहता था ओम कुमार, हम तीनों भाई थे बैठे हुए। बारिश हल्की हल्की हुई थी, ठंडा मौसम था, पिताजी थोड़ा टेंशन में थे। हम बार बार बोल रहे थे तीनों भाई, अरे आप टेंशन में मत रहिए, अरे आज नहीं कल कोई पैसे की व्यवस्था होगी कैम्ब्रिज जाएंगे, अगर नहीं भी व्यवस्था हुई तो आप टेंशन एकदम मत लीजिए, कभी ना कभी फिर मौका मिलेगा, और नहीं तो पटना में ही रह के पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, देश में तमाम सुविधाएं, बहुत समझा रहे थे। उल्टा वो थोड़ा घबरा गए। अचानक खाने के टेबल पर बैठे, उस समय तो टेबल भी नहीं था, जमीन पर ही हम लोग बैठ के खाते थे, बैठे खाना उना खाए सोने जा रहे थे हम लोग, बस अचानक घड़घड़ाहट की आवाज आई। हम लोग पूरे बारिश से पूरा इलाका डूबा हुआ था, जल जमाव वहां पर था। हम लोग दौड़ के गए, दोनों भाई कोई डॉक्टर मिल जाए, सलम का इलाका, वहां पर एक कंपाउंडर थे हुआ है, तब तक पिताजी इस दुनिया से चल दिए थे। सारी तमाम जिम्मेवारियां जो घर की थी हम पर आ गई। कैम्ब्रिज जाने का सपना दूर दूर तक फिर नहीं सोच पा रहे थे कि सपना पूरा भी कभी होगा। अब परिस्थितियां खराब हो गई, पिताजी की जगह पर सरकारी नौकरी मिल रही थी अनुकंपा के आधार पर। माँ बोली देखो बेटा तुम्हारी अगर इच्छा है और पढ़ने का, शिक्षक बनने का, साइंटिस्ट बनने का, मैथमेटिशियन बनने का, तो सपना पूरा करो, मैं सपोर्ट करूंगा। तब माताजी कही कि ठीक है। माताजी इसी हालात में पापड़ बनाती थी और हम लोग घूम घूम कर दोनों भाई पापड़ बेचते थे, उससे जो आमदनी शाम को पापड़ बेचते थे, जो आमदनी दो चार घंटे के कमाई में होती थी उसी से घर का खर्चा चलता था। एक दिन मेरा भाई बोला प्रणव कि भैया जब आप में मैथमेटिकल स्किल्स है, टीचिंग का जज्बा भी है, तब क्यों नहीं पढ़ाते, पढ़ाइए बच्चों। तो भाई हमने बोला कि देखो अभी तो मेरा मास्टर डिग्री भी नहीं हुआ, कौन पढ़ेगा हमसे, तो ये प्रयास तो करके देखिए। दो बच्चों से प्रयास किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 से 4, 4 से 8 करते करते एक साल में 40 बच्चे बने। उनको पूरी ताकत लगा के हमने पढ़ाने का प्रयास किया और सब कहीं ना कहीं कोई बैंक PO बना, जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, कोई वकालत का परीक्षा में गया, कोई कहीं गया, और चर्चाएं शुरू हुई। करते करते हमारे पास 3-4 सालों में बच्चों की एकदम कतार लग गई, भीड़ लग गई, मैथमेटिक्स टीचर के तौर पर फेमस, बदनाम करते तरह तरह की, अरे आनंद बहुत बड़ा कोचिंग का व्यवसाय खोल देगा, करोड़ों अरबों कमा लेगा। कोई बोलता है कि सुपर 30 तो केवल दलित बच्चे रहते, ऐसी बात नहीं है, किसी जाति किसी धर्म के अगर बच्चे में टैलेंट है तो हमारे पास रहते, चाहे सामान्य वर्ग के भी बच्चे रहते हैं, OBC के भी बच्चे रहते हैं, दलित भी रहते हैं। हर साल 2-4 दलित बच्चों में यह भी एक अभिजीत था, कुछ साल पहले आया, बोला सर हम भाग रहे हैं, हमसे नहीं होगा 3-4 दिनों बाद। क्यों? अरे भाई बड़ा कॉम्पिटिशन टफ है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से वहां के बच्चे से मेरा मुकाबला होगा, नहीं जीत पाएंगे, भाग गया। अब अपने भाई के साथ इसके गांव गए, करीब 100 किलोमीटर दूर नवादा डिस्ट्रिक्ट में जाके इससे बात किया, समझाया और इसको बोला कि अच्छा 10 दिन और मौका दो। तब हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, पूरे पढ़ाई को हमने जितने भी हमारा टीचिंग था उसको बदल दिया। पहले पहला 2-3 साल पढ़ाते थे चौक डस्टर वगैरह ये सब लेके, फिर उसको हमने मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर का यूज किया, 2 कैरेक्टर डेवलप किया, एक जर्मन स्टूडेंट बनाया रिकी का,
जिसको दिखाया बहुत अच्छा प्रिविलेज क्लास का लड़का है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, अच्छी इंग्लिश बोलता है, एक भोलू का बना जो बहुत सुपर 30 को बच्चों को बताते हैं वह है कि भाई ट्रेमेंडस थ्रस्ट, प्रबल प्यास होनी चाहिए। आप जीवन में कुछ करना चाहते, कुछ गोल अचीव करना चाहते तो आप में प्रबल प्यास होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है। जैसे एक मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, आप उस एम को लेके पढ़ रहे, उस टारगेट को लेके पढ़ रहे, उस डेस्टिनेशन को लेके पढ़ रहे, उसके बिना आप नहीं जी सकते, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। जैसे ही सुबह उठे, ओ अच्छा ये फार्मूला था, आज हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए कौन कौन सवाल बना रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना रिविजन कर रहे हैं, ये बातें उस समय तक चलना चाहिए जब बिस्तर पर गया सो। एक बार ऐसे ही एक सेमिनार में गए हुए थे, एक बच्चा पूछा कि अच्छा सर आईआईटी की परीक्षा नजदीक है, जेई की, बताइए कौन सारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे जिससे पता चले कि आईआईटी मेरा हो रहा है या नहीं। हम कहते हो बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए एक मिनट में हो सकता है, तुम आंख बंद करके सोचो, पिछले महीनों का रिकॉर्ड देखो कि सुबह उठते हो, दिन भर जीते हो, जागते हो, रात में सोते हो, मैं कितना देर और क्या क्या दिमाग में तुम्हारी बातें चलती है। अगर फेसबुक व्हाट्सएप और भी कई बातें चलती है तो तुम बहुत दूर हो अपने लक्ष्य से। लेकिन जो लक्ष्य के लिए तुम सोचते हो कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये फार्मूला लगाएंगे ऐसा हो जाएगा, तब समझो कि तुम सही जा रहे हो। ऐसी प्रबल प्यास होनी चाहिए। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको हम लोग सकारात्मक सोच करते हैं। बच्चा आता है बेचारा गांव देहात से, डरा हुआ सहमा हुआ, सबसे जरूरी होता है उसमें सकारात्मक सोच भरना कि देखो बेटा तुम पढ़ो, तुम कर सकते हो। अरे हम 450 बच्चों का सक्सेस स्टोरी बनाए हुए बिफोर एंड आफ्टर, हम उसमें से 10-20 दिखाते हैं, देखो ऐसा ऐसा बच्चा ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। और आईआईटी करना क्या थोड़ी है कि एक दो लोग साल में करता है, हजारों की संख्या में करते हैं। क्या तुम हजारों में नहीं आ सकते हो, जहां चाहे वहां तो एक भी तुम बन सकते हो, रैंक वन भी दे सकते हो। तो पॉजिटिव भाव होना चाहिए बच्चों। हमारे बच्चे आईआईटी में नहीं जा पाते, मान लिया 28 रिजल्ट हुआ, 24 हुआ, 23 हुआ, जो बच जाते हैं आईटी या रीजनल कॉलेज में जाते सिर्फ इसलिए कि उनमें पॉजिटिव थिंकिंग हम नहीं भर पाते, मेरिट का टैलेंट का कमी नहीं होती है। और तीसरी बात है अथक प्रयास, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। 6 बजे जाते हैं सुबह, देखते हैं बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, आज छुट्टी है, संडे है, रेस्ट करो, फिर भी 12 बजे दिन में गए, कभी 4 बजे शाम को गए, 9-10 बजे रात में भी गए तो बच्चे पढ़ रहे, कब खेलते हैं, कब आपस में बात करते हैं, इसका कोई पता ही नहीं चला अब तक। तो रात दिन एक मेहनत। और अगर आप में थ्रस्ट भी है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है और रात दिन एक कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिलेगी, जब तक आप में ग्रेट पेशेंस असीम धैर्य नहीं है। बच्चों में बताते हैं कि लो ये सब सवाल है, लो असाइनमेंट जाओ बनाओ, लेकिन बोर्ड पर लिखा कि ये 4 सवाल ऐसे हैं जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, बना के दिखाओ तब जानेंगे वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम है। बच्चा 2 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है, कहता नहीं सर नहीं बना, फिर ये सर जो रूटीन प्रॉब्लम्स दिए थे इसमें लगभग सब बन गए लेकिन जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम था नहीं बना, अरे चलो 2 दिन और मेहनत करें, ट्रिगोमेट्री का प्रॉब्लम है, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला जानते हो, कॉन्सेप्ट जानते हो तो क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा प्रयास तो करो। बच्चा 2 दिन बाद फिर पूछते क्या हुआ बच्चों, नहीं सर बहुत अंधकार लग रहा है, सब चीज जानने के बाद लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ा। फिर ये तो जीवन का सत्य है, जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, सोचो सवेरा के तुम उतने ही करीब पहुंच रहे हो, इस भाव से तो प्रयास करो। कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा सर से आपने भी। डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंतजार था आप लोग को, सर आप वीडियो कब देंगे, बस अब आपके लिए मैं कमर कस के तैयार हूं और बहुत जल्दी विद इन 2-3 डेज अब रेगुलर सीरीज आने जा रही है। इनऑर्गेनिक की भी आएगी, ऑर्गेनिक की और फिजिकल की भी आएगी, और बिलीव कीजिए इस साल बहुत बेहतर सीरीज आएगी। हाँ अब की बार और दमदार है।